तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं सूप के बारे में। तो एक चीज मैं सोच रहा था कि जैसे हम रोटी खाते हैं, और रोटी जो है एक यूनिवर्सल फूड है पूरे सब कॉन्टिनेंट का। हम बाकी जो चीजें वो डिशेज के तौर पर है, लेकिन ये एक प्राइमरी फूड है कि ये मैक्सिमम जो लोग हैं वो खाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। लेकिन भाई अगर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखें तो कहीं भी रोटी का नामो निशान नहीं मिलता, और ना वो चावल इस तरह खाते हैं, ना कोई चीज खाते हैं इस तरह। तो आखिर कौन सी चीज है जो कि वो इस तरह खाते हैं, प्राइमरी एक डिश के तौर पे खाते हैं, जैसे कि हमारा यूनिवर्सल जो फूड है वो रोटी है, तो उनका क्या है? तो अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है उनका जो यूनिवर्सल फूड है वो सूप है। यानी वो सूप पीते हैं, और सूप भी को समझे वो मील समझ के खाते हैं ज्यादातर। बाकी जो चीजें हैं समझे वहां पर रोटियां भी उस तरह बनाई जाती हैं, पराठे भी बनाए जाते हैं, लेकिन उनका जो प्राइमरी फूड है वो सूप है। तो सबसे ज्यादा जो सूप पिया जाता है वो अमेरिका में पिया जाता है, ठीक है? और अमेरिका में तकरीबन एक साल में 10 बिलियन कप पिए जाते हैं, यानी 10 खरब के करीब करीब कप वहां पर सूप के पिए जाते हैं, सूप के बॉल्स, ठीक है? जो कि वैसे तो नाम सुनने में तो बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम इसकी पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट है। दूसरे नंबर पे जी ये सूप जो है ये बहुत पुराना है, और ये पहला फूड है। यानी राइस जो है, राइस तो बहुत पहले दरियाफ्त हो गया था कि मतलब फसल उगाना शुरू कर दिए थी, लेकिन जो सबसे पहला फूड जो बना था ना इस दुनिया में चूल्हे पर मतलब पका कर बनाया गया था वो सूप ही था। और ये तकरीबन 6000 BC से है। 6000 BC जो है सबसे पुरानी डेट मानी जाती है, इसे पुरानी डेट नहीं है, ठीक है? सबसे पुरानी डेट ही 6000 BC मानी जाती है। तो समझिए तब से जो इसका जूस सूप है ये बनाया जाता था, और पहला सूप बना था वो हिप्पो का बनाया गया था, ठीक है? मतलब हिप्पो के गोश्त का सूप बनाया गया था। तीसरे नंबर पे जी फ्रेंच किंग। एक तो जी फ्रेंच किंग जो है उनको, क्योंकि किंग जो है उनके नखरे इस तरह बड़े होते हैं, और जब भी कोई चीज करते हैं तो इस तरह के समझे वो तकरीबें करवाते रहते हैं, उसके फंक्शन करवाते रहते हैं। तो एक दफा क्या किया फ्रेंच किंग जो है, कोई उन्होंने कोई कारनामा जी सर अंजाम दिया, तो आगे अपने आपसे बड़े खुश होने लग गए। अच्छा जी अपने शेफ को कहा कि ऐसा सूप बनाओ कि जिसके अंदर मैं अपनी शक्ल देखूं, और अपनी शक्ल देख देख मैं खुश होता रहूं। यानी एक बिल्कुल ऐसे रिफ्लेक्टिव सूप आप बनाए जिसके अंदर मेरा अपना रिफ्लेक्शन नजर है। तो उसे जब जी उन्होंने ट्राई किया, 2-3 दफा तो खैर फेल हुए, लेकिन यह कि बनाया जब तो एक नई सूप की टाइप ही समझे इन्वेंट हो गई, जिसको हम कॉन्जोम कहते हैं, ठीक है? उसको हम समझे एक सूप जो होता है वो थिक सूप कहलाता है, एक दूसरा जो सूप होता है वो कॉन्जोम कहलाता है, यानी जिसके अंदर हमें अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, ठीक है? तो मतलब ये एक नया सूप की टाइप जी वहां से बन गई। चौथे नंबर पे जो स्पून, स्पून जो है कोई राइस चाइस खाने के लिए नहीं बनाए गए थे, सूप ये सूप खाने के लिए बनाए गए थे। जो स्पून है, स्पून जो है उसका मकसद ही यही है, क्योंकि स्पून जिस वर्ड का जिस समझे जुबान का वर्ड है उसका मतलब ही यही है कि अ कंटेनर दैट कंटेन्स सूप, ठीक है? क्योंकि लेटिन वर्ड है तो ये सूप से जी यहाँ पर स्पून बनाया गया है, तो ये सूप का ही समझे एक सूप को खाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये कि आज सूप से ज्यादा उससे बाकी चीजें खाई जा रही हैं। तो मतलब यह कि ये सूप को क्रेडिट हासिल है कि इसकी वजह से चम्मच ईजाद हुआ था। लास्टली डाइजेशन, सूप का बहुत फायदा है, मतलब बहुत सारे फायदे अगर हम अपने से कंपेयर करें, यानी जो हमारा यूनिवर्सल फूड है ब्रेड है या रोटी है, तो अगर हम उसे कंपेयर करें तो वो इंतहाई मुश्किल है डाइजेस्ट होना, ठीक है? क्योंकि जो हमारा स्टमक है उसको हर तरीके का एसिड छोड़ना पड़ता है ताकि वो जाके वो पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो, उसके आगे जाके ग्लूकोज, मतलब मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। उसके बाद अगर हम उसको सूप से कंपेयर करें तो सूप पहले बात यह कि लिक्विड फॉर्म में, उसके ऊपर कोई एसिड छोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि जब किसी लिक्विड में कोई चीज पकाई जाती है तो उसके अंदर जो पकाई जाती है उसके उस तक बेहतर हीट पहुंचती है, ठीक है? यानी कि वो भी समझे जो मैक्सिमम होता है वो पहले ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। उसके अंदर जो चिकन वगैरह होता है या बाकी जो चीजें उसके अंदर डाली जाती है, वेजिटेबल डाली जाते हैं, वो पहले ही जो 50% से 60% है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, और उनको इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती स्टमक को कि वो इतने सारे एसिड छोड़े तो जाके वो हजम हो। तो ये इसका बहुत बड़ा फायदा है कि ये जो सूप है मैक्सिमम 1 से 2 घंटों में हजम हो जाता है, ठीक है? अब इसके मतलब ये नहीं कि आप जब कहीं से भी सूप खाएंगे तो आपको इतना ही हो जाएगा, लेकिन अगर हेल्थी सूप है, क्योंकि अगर आप अक्सर कहीं भी होटल से खाने शुरू चले जाएंगे तो वो सूप उस तरह का नहीं होता जिस तरह आप सोच रहे होते हैं, उनके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल्स डाले होते हैं, फ्लेवर्स डाले होते हैं, लेकिन अगर आप घर बनाते हैं तो वो समझे आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, अगली वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।